18 से ही कितना समझाएं कि जलाइए मत, तो बगल में जो होता उसी का चलते असर ही पड़ता है। कभी भी जदयू आरजेडी में विलय कर लेगा, देखिए ऐसा हम नहीं करें। ऐसा बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे सुशील मोदी का बीते दिनों बयान आया था गोपालगंज में। जिस तरीके से उपचुनाव हो रहा था, चुनाव प्रचार में जो है सुशील मोदी गोपालगंज पहुंचे थे और सुशील मोदी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर खूब तंज कसा, और उसी वक्त सुशील मोदी ने यह साफ कहा कि आने वाले दिनों में जो है जदयू आरजेडी में विलय करने जा रही है। तो वहीं जिसको लेकर बिहार की राजनीति गर्म है और लगातार जो सत्ता पक्ष नेता हैं वो बयान दे रहे हैं। तो वहीं बता दें आपको कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जब सवाल किया गया तो नीतीश कुमार ने कुछ भी बोलने से चुप रह गया। तो वहीं नीतीश कुमार ने कहा कि इन सब बातों को छोड़िए ना, जाने दीजिए। तो वहीं बता दें आपको कि लगातार इस बातों को लेकर जो है बिहार की राजनीति गर्म है। वहीं प्रदूषण को लेकर जब नीतीश कुमार से सवाल किया गया तो उनका साफ कहना था कि 2018 से मैं मना कर रहा हूँ, पराली जो है वो लोग जलाते हैं और जिससे प्रदूषण फैलती है, अनेक राज्यों में जो है पराली जलता है और जिससे बिहार में भी प्रदूषण फैलता है। तो वहीं क्या कुछ कह रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, वो सुने आप। पटना में भी इन सब चीजों के बारे में पूरी जानकारी ले ली, समझ गए, और हम सब जगह लोगों को अलर्ट किए रहते, और आप सबको मालूम है कि कितना बार हम 18 से ही कितना लोगों को समझाए, 18 से ही कितना समझाए कि जलाइए मत। तो ये सब हम आज से कह रहे हैं लोगों को, और पूरे तौर पर सब लोगों को हम कहने की कोशिश कर रहे हैं। इस बार भी हमने कह दिया पूरे तौर पर, देख लीजिए, और जो दिल्ली का होता है वो तो बगल में जो होता है उसी का चलते असर ही पड़ता है। यही सबको समझना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। मोदी कह रहे हैं कि जेडीयू का विलय हो जाए। तो आपने सुना बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, जिस तरीके से बिहार के मुख्यमंत्री से सवाल किया गया कि क्या जदयू आरजेडी में जाके विलय करेगी, नीतीश कुमार ने कुछ भी बोलने से मना कर दिया। वहीं नीतीश कुमार ने कहा कि जाने दीजिए ना, क्या ही बोले इस पर। तो देखिए सुशील मोदी लगातार यह बयान दे रहे हैं कि कभी भी जदयू जाकर आरजेडी में विलय कर ली, उसको लेकर नीतीश कुमार ने क्लियर कर दिया। वहीं बता दें आपको कि जिस तरीके से बिहार में यह चर्चा में है कि प्रदूषण जो है बढ़ा हुआ है, उसको लेकर नीतीश कुमार ने साफ कहा कि पराली जो है 2018 से मैं मना कर रहा हूं कि लोग ना जलाएं, लेकिन लोग सुनते ही नहीं है। वहीं बता दें आपको कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों से रिक्वेस्ट किया है और कहा है कि पराली जो है वो नहीं जलाई जाए। वहीं क्या कुछ कहते बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहें। पटना से सहयोगी अजय के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।